आज मैं आप लोग के बीच में झारखंड टीजीटी या इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल टीचर के लिए है ना सिलेबस लेके आए हैं। आप लोग के बहुत दिनों से कहना था कि कब से स्टार्ट होगा, और ये भी बता दें साथ साथ में कि टीजीटी का स्टार्ट होने वाला है और इसके पहले हम पीजीटी का बैच अभी चल रहा है ऑलरेडी पहले से। और टीजीटी के सिलेबस में क्या होता है कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हो चुका है, अभी तक झारखंड में 3 बार एग्ज़ाम हाई स्कूल के हो चुका है, तो 2 बार जो हुआ था वह सब्जेक्टिव था है ना, और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ वह ऑब्जेक्टिव था, और इस बार भी ऑब्जेक्टिव होने का विचार चल रहा है। तो हम उसी को लेकर के कि पिछले बार का सिलेबस को अकॉर्डिंग हम है ना कई किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, कौन चैप्टर से कितना आता है, पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। और पिछले बार जो क्लास लिए थे हम, जब से स्टार्ट हुआ टीचर लोग बैच तब से ले रहे क्लास, और जो पिछले बार अनुमान लगाया गया था कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आया था वो भी बताएंगे कि कितना कितना कौन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखिए ये भी बता दें कि आपको जो क्वेश्चन आता है 75 क्वेश्चन जो होता है मैथ से आता है, और 75 क्वेश्चन जो होता है वो फिजिक्स का रहता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है फिजिक्स से 75 और मैथ से 75। तो दोनों सिलेबस आपको द चैलेंजर जो मिल जाएगा और इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो 75 क्वेश्चन जो मैथ से आता है किस तरह से आता है, कौन चैप्टर से कितना आता है देख लीजिए आज। तो सेट थ्योरी पहला उठाए हम लोग, सिलेबस फॉर झारखंड टीजीटी है ना मैथ प्लस फिजिक्स जो इस आता है जो हाई स्कूल टीचर के लिए होता है, वह सेट थ्योरी पहला पॉइंट लिए हम। तो सेट थ्योरी से अनुमान लगाया था पिछले बार भी कि 5 से 10 शॉर्ट का टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जो आया था कितना 6 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था जो आया था पिछले बार एग्जाम में, वो अनुमान लगाया था कि 5 से 10 क्वेश्चन आएगा, वो आया था कितना 6 क्वेश्चन। जो सेट थ्योरी के अंतर्गत था सेट रिलेशन फंक्शन, सेट मैपिंग, जनरलाइज डिमॉर्गन लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल एक क्वेश्चन था आपका है ना, सेट से था और फंक्शन था। होता है कि कभी कभी कि सेट थ्योरी में इतना सारा टॉपिक है तो कोई जरूरी नहीं कि सबसे क्वेश्चन हो, और ये भी बताया था कि 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक इससे रहेगा। लेकिन ये भी बता दें कि कभी कभी 6 क्वेश्चन आता है, तो पिछले बार कितना आता है 6 क्वेश्चन। एक ये भी बताते कि मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहता है इसे। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिए है ट्रिगोनोमेट्री, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अनुमान लगाया गया था कि मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आ सकता है इससे, लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे 15 क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसे। टॉपिक क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज था, मॉडुलस आर्गुमेंट एंड एम्पलीट मॉर्गन आर्गुमेंट, या इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोर्गन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बोल सकते हैं। और इसके साथ और भी था एक क्वेश्चन आपका, वह था हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन यानी एक क्वेश्चन था जो रिलेशन आया था कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या रिलेशन है। तो हम लोग जो लॉगरिदम और कॉम्प्लेक्स नंबर में है उसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन, और एक चैप्टर इसमें पढ़ना आपको और हाइपरबोलिक फंक्शन, तो दोनों का रिलेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछले बार। ग्रेगोरी सीरीज से भी आया था और समेशन ऑफ सीरीज से भी आया था, मतलब इस तरह से यह चैप्टर मिला करके है ना आपको अनुमान है कि मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। लेकिन बता दें कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वह उससे 15 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हम आपको 75 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। देखिए ट्रिगोनोमेट्री के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पोलोमियल यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत पोलोमियल आता है, तो इसे पोलोनियम होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इसका होता है, प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट आपका इसका थ्योरी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछता है जो पिछली बार पूछा भी था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट, साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स,
और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यह जो चार पॉइंट है इससे अनुमान लगाया गया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के एवरेज में पूछेगा एग्जाम में, लेकिन पूछा कितना था, टोटल 8 क्वेश्चन पूछा था पिछले बार एग्जाम में आपको। फिर चलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंतर्गत पढ़ना लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे, यू प्लस भी, यूनिट भी वाला टर्म, वो ऑर्डिनरी केवल था पढ़ने के लिए। ऑर्डिनरी भी 3-4 तरह का होता है, इसमें पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड इट्स लेबनीज थ्योरम होता है इसका, इसी के अंतर्गत आता है लेबनीज थ्योरम भी। एक पार्शियल डिफरेंशिएशन, इलर्स थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और टेंजेंट नॉर्मल में एक आता है इसी में पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ जो रेट मेजर वो आता है, वो भी एक टॉपिक है इसमें, जो सब टेंजेंट नॉर्मल के बाद सब पढ़ लेंगे इसमें। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक से अनुमान लगाया गया था पिछले बार कि 10 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आएगा इसमें, लेकिन आपका एग्जाम में आया था कितना, 10 क्वेश्चन आया था मिनिमम, 10 क्वेश्चन आया था इससे। और डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया है ना, इसके साथ इंटीग्रल कैलकुलस है, जो इंटीग्रल में डिफिनिट और इनडिफिनिट एक साथ करके बता दे रहे आपको। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत हमको पहला पढ़ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और किसका, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर आपका रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन भी रहता है उसमें आपका, फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन भी है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, रिडक्शन फार्मूला से क्वेश्चन आता है। फिर आपको जो इंटीग्रल कैलकुलस था उसमें अनुमान लगाया गया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पिछले बार एग्जाम में कितना पूछा, 8 क्वेश्चन पूछा है ना, उसी का एवरेज में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आपका। फिर 6 नंबर पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका ऑर्डर डिग्री वगैरह है ना जान लेना है बेसिक में आप। और फिर दूसरा पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसके अंतर्गत एग्जैक्ट भी कर लेना आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यानी nth डिग्री हो सकता है ना, उसको देख लेना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, इसमें CF और PI निकालने के लिए आ सकता है इस बार आपको है ना। तो पिछले बार अनुमान लगाया गया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन के बीच में आपको रहेगा, लेकिन एग्जाम में आया था कितना, 6 क्वेश्चन। अब इसके बाद बच गया आपका ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 2D होता है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि 3D 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D था, इसमें अनुमान लगाया गया था कि मिनिमम 10 क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एग्जाम में कितना पूछा, 14 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में पूछा गया, 2D से पूछा गया था इस बार। कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चन आगे पीछे होता है, मान लीजिए कि हो सकता है 14 पूछे और मैं 10 पूछे 8 पूछे, लेकिन एक एवरेज बता रहे हैं आपको कि इतने के एवरेज में क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका। पहला है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल इसका, और इसके अंतर्गत जो भी कंडीशन प्रॉपर्टीज है थ्योरी है उस सब का सब आपको पढ़ना है, क्योंकि सब का सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के रूप में आता भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, छोटा छोटा क्वेश्चन वो भी आता है आपको या टेंजेंट और नॉर्मल के रूप में उसका निकालने के लिए। अब चलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 5 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बोला गया था कि पूछेगा, लेकिन पिछले बार एग्जाम में आपको 8 क्वेश्चन इससे आया था, जो था बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब क्या, 3 डायमेंशनल के लेंगे बेटू से, उस पर डिस्टेंस वगैरह सब लेके निकालेंगे ना, और उसका प्रॉपर्टीज था जो भी का है वह पढ़ेंगे हम लोग।
और रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के दौरान जो भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जो होगा उसके बारे में पढ़ना है आपको, प्लेन पढ़ लेना है और स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। अगर इतना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ साथ यह बता दें कि पिछले बार जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम वो क्वेश्चन का विथ एंसर सोल्यूशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही आपको यह दोनों के दोनों था, फिजिक्स और मैथ है ना, फिजिक्स का भी सिलेबस और मैथ का भी सिलेबस आपके बीच में ला रहे हैं और उसका सोल्यूशन जो पिछली बार आया था किस टाइप से क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके है ना, ज़्यादा मेहनत कर सके किस टॉपिक पर करें, ताकि डायरेक्शन अगर सही मिलता हो है ना तो तैयारी करने में आपको ज़्यादा आनंद रहेगा है ना। इसलिए आपका बहुत दिनों से डिमांड था है ना, जितने पुराने पुराने लोग जो मेरे थे जो पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन किसी कारण बस बहुत लोग को हो चुका है, बहुत लोग को जो नहीं हुआ है ना वो भी इंतज़ार में थे, और उनको ला के हम इस तरह टॉपिक दिए हैं, उनका सोल्यूशन भी देंगे आप लोग के बीच में है ना। द चैलेंज जो जुड़े रहिए और आगे इससे पढ़ते रहिए आप।